जो लाश जलता है तो इसका प्रदूषण पर कोई असर पड़ता है, इसके बारे में कुछ बताइएगा आप। प्रदूषण पे बहुत, ये यहाँ जो भी जलता है वो प्रदूषण मुक्त होता है। हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम, आप सब कैसे हैं? एक ब्लॉग में आप लोग का और स्वागत है। तो आज हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक से लाश कैसे जलता है, बहुत ही खौफनाक घटना है। तो आप लोग बस वीडियो में देखिए, बाकी आपको पूरी जानकारी देंगे कि कितना देरी में ये लाश जलता है और इलेक्ट्रिक से कैसे जलता है। अगर ये लाश जलता है तो पोल्यूशन पर, प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर ये सब जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए, बिजली से कैसे लाश जलता है उसके अंदर हम लोग एंट्री ले चुके हैं। ये देखिए, मुक्ति धाम गया पहुंच गए हैं। ये देखिए, मशान घाट है, इसी के अंदर बिजली से लाश जलता है। तो चलिए आपको अंदर का व्यूज दिखाते हैं, आप लोग वीडियो में बना रहिएगा। तो ये देखिए, बिजली से जहाँ लाश जलता हुआ उसके अंदर हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए, अभी एक लाश सिर्फ जल रहा था, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि कितना आसान तरीक़ों से बिजली से लाश जलाया जाता है। ये देखिए, यहाँ पता नहीं क्या है, बाबा से कुछ जानकारी लेंगे, बस वीडियो में बना रहिएगा आप लोग, बाबा से जानकारी लेंगे तो आपको बताएंगे। पर आप लोग देखिए कि बिजली से लाश यहाँ कैसे जलता है। ये सब मशीन इलेक्ट्रिक मशीन लगाया हुआ है। और ये आपको वीडियो हम गया के विष्णुपथ के सीन दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा मशीन लगाया हुआ है, टोटल यहाँ 13 मशीन लगाया हुआ है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। आपको पूरा व्यूज यहाँ का दिखाएँगे, बस वीडियो में बना रहिए आपको। ये देखिए, दो गो में लाश जल रहा है। और आपको बाबा जी से भी पूछकर बताएंगे कि यहाँ बिजली का लाश कैसे जलता है, कितना समय में जलता है, और अगर लाश जलता है तो प्रदूषण पर क्या असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, यहाँ का चार्ज क्या है, सारा चीज़ जानकारी आपको ये वीडियो में मिलेगा। बस वीडियो में आप लोग बन रहिए। और ये देखिए, यहाँ पर सारे भैया लोग भी घूम रहे हैं, यहाँ पर यहाँ का साहब मैनेजमेंट स्टाफ है, कुछ जानकारी लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे बिजली से लाश जलता है कि नहीं जलता है और कैसे क्या होता है, तो यहाँ के बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा अंकल जी। सबसे पहले तो ये मशीन बिजली का है नहीं। अच्छा, ये मशीन लकड़ी का ही है। अच्छा, ये बात बताइए कि जैसे यहाँ पे लाश जलता है तो बिजली का यूज होता है कि नहीं, ये पूरा बताइए तो, यहाँ पे डिटेल, यहाँ का फुल जानकारी दीजिए। तो नहीं, बिजली का यूज नहीं होता है, जो भी जलता है लकड़ी, चंदन, देवदार, घी, कपूर, धूना, अच्छा, यही सब से। अच्छा, अगर यहाँ जो लाश जलता है तो यहाँ पे चार्ज ये सब कैसे लगता है, क्या लगता है और कितना लगता है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। चार्ज वगैरह कुछ नहीं लगता है, जैसे बाहर में है कि अपना सामान लाए न, उसी तरह से यहाँ भी है, निगम सिर्फ मशीन बैठा दिया है, लेकिन जलाना वही लोग, पंडित सब और सारा लोग अपना रहता है, जैसे बाहर करना है पंचकर्म दाह संस्कार, उसी तरह से यहाँ भी करना है। अच्छा, यहाँ पे जो लाश जलता है तो इसका प्रदूषण पर कोई असर पड़ता है, इसके बारे में कुछ बताइएगा आप। प्रदूषण पे बहुत, ये यहाँ जो भी जलता है वो प्रदूषण मुक्त होता है। और अच्छा, यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे ज्यादातर ज्यादा ये लवारिस टाइप पे लाश जलता है क्या? कौन कह दिया? नहीं, ऐसा मतलब हम सुने, इसके लिए पूछ रहे हैं। लोगों का सोच लावारिस है। और यहाँ के बारे में कुछ जैसे जानकारी दीजिए। लोग अगर सही सोचता तो ये जो नदी को गंदा करता, ये लोगों का सोच सही है? नहीं, नदी को गंदा करने का बिल्कुल नहीं। जितना धुआं निकलता है सारा जो है नीचे में फैलता है, हमको भी मिलता है, हमारे बाल बच्चा, पूरे समाज परिवार को गंदगी वाला प्रदूषण धुआं मिलता है, तो इस तो पब्लिक का सोच गंदा है, मशीन गंदा नहीं है, मशीन साफ सुथरा है। अच्छा, यहाँ पे जो लाश जलता है उसका चार्ज भी कुछ लिया जाता है, इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए आप। और मेंटेनेंस के हिसाब से साफ सफाई के नाम पर 500 रुपया लिया जाता है। अच्छा, तो आप यहाँ क्या चीज का काम करते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट या मतलब क्या चीज का यहाँ आप करते हो, वही बता दीजिए। यहाँ क्या चीज का आप काम करते हैं? यहाँ का लिखा पढ़ी देख रेख। तो बस अंकल जी, इतना जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स अंकल जी। तो बस दोस्त, यहाँ पे आपको जानकारी यहाँ अंकल जी दिए, जो भी यहाँ पे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, कैसे लाश जलता है, तो इसके बारे में।
हाँ यहाँ देखिए। अच्छा ये क्या चीज का है यहाँ पे जो जल रहा है, यहाँ पर क्या चीज का जल रहा है? यहाँ पहले का पुराना मशान कुंड यही है। अच्छा। शमशान का जो अग्नि कुंड होता है हाँ। तो यही है सबसे पुराना शमशान, गया शमशान का अग्नि कुंड। बस अंकल जी इतना जानकारी दी है, बहुत बहुत थैंक्स। तो बस आज के ब्लॉग में इतना। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, कमेंट करे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो बस yeah.